खबर बांदा जनपद से, जहां बबेरू में कृषि विभाग के नेतृत्व में विकासखंड स्तरीय रवि कृषि निवेश मेला गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र से आए हुए किसानों को कृषि विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा पशुपालन व प्राकृतिक खेती करने से संबंधित जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। मामला खंड विकास अधिकारी कार्यालय बबेरू के सभागार का है, जिसमें कृषि सूचना तंत्र का सुंदरीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के तहत कृषि विभाग के नेतृत्व में बुधवार को विकासखंड स्तरीय रवि कृषि निवेश मेला गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर कृषि विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्र से आए हुए किसानों को प्राकृतिक खेती कैसे करें, किस समय कौन सा बीज इस्तेमाल करना चाहिए तथा पशुपालन कैसे करें आदि से संबंधित किसानों को मेला निवेश के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। किसान मेला गोष्ठी आयोजन पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मानवेंद्र सिंह, SMS राजेंद्र प्रसाद, गोदाम प्रभारी कृष्ण कुमार, BTM वीरेंद्र कुमार, मुन्नीलाल वर्मा, शशिवेंद्र, रूपेश कुमार गुप्ता, प्रदीप कुमार कुशवाहा, KP दिनकर सहित सैकड़ों की संख्या पर क्षेत्र से आए हुए किसान मौजूद रहे। किसान हमेशा जिसको हम कहा जाता है बर्बादी की कगार पे जाता है, दो चीजें होती हैं, नंबर एक पे बीमारी और दूसरी शादी। इसके अलावा कोई ऐसा कारण नहीं होता। सजग रूप में रह करके जो रोक सकते हैं वो हमें करने की जरूरत है। आज जो जो ये गोष्ठी है कृषि निवेश मेला, ये कृषि तो हम करते ही हैं हमेशा से, जुड़े सम्मानित अधिकारी एवं मेरे जी। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मुन्नीलाल वर्मा है, मैं प्राविधिक सहायक के पद पर बबेरू ब्लॉक में कार्यरत हूँ। जी जो आज ये कार्यक्रम हुआ है किस प्रकार का हुआ? जी ये किसानों से संबंधित कार्यक्रम है, किसानों की आय को किस तरीके से दोगुना किया जाए उस संबंध में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। पूरा नाम इसका ये रहेगा कि किसान कृषि निवेश मेला, निवेश भी करना है, मेला भी है और गोष्ठी है, किसानों को जानकारी भी देना है। तो आज दिनांक 15 फरवरी 2023 को विकासखंड बबेरू के प्रशिक्षण हाल में किसानों को आमंत्रित किया गया, किसानों को बुलाया गया और गोष्ठी करवाई गई, उनको जानकारी दी गई, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों को बुलाया गया। कुछ वैज्ञानिक हमारे KV के कृषि विज्ञान केंद्र बांदा से, कृषि विश्वविद्यालय बांदा से डॉक्टर मानवेंद्र सिंह आए हैं, जिन्होंने पशुपालन संबंधित किसानों को जानकारी दिया है, टीकाकरण संबंध में जानकारी दिया है। दूसरा उन्होंने जो प्राकृतिक खेती, गौ आधारित प्राकृतिक खेती है उसको भी उन्होंने बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से किया जाए, बीजामृत है, जीवामृत है, कैसे बनाते हैं उस संबंध में जानकारी दिया है। हमारी एक महिला श्रीमती वर्षा पाल हैं जो CM पालों हैं, उन्होंने मिलेट्स के बारे में, क्योंकि 2023 संयुक्त राज्य यानी विश्व में मिलेट्स वर्ष के नाम से घोषित किया गया है, तो मिलेट्स के बारे में उन्होंने जानकारी दिया, किस तरीके के मिलेट्स, कितना है, क्या हमें उत्पादन करना है, क्यों करना है, क्या जरूरत पड़ी है और किस तरीके से यह सरकार इसमें सहयोग दे रही है। इसके अलावा हमारे इंजीनियर साहब KP दिनकर जी हैं, KP दिनकर नहीं है, ईश्वर दया, ये केन कैनाल के इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने किसानों के मध्य में जानकारी दिया कि सिंचाई से संबंधित कि पानी कब कब उपलब्ध रहता है, नहर कब कब चलती है, आप लोगों को कब कब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, इस बारे में जानकारी दिया। एक KP दिनकर जी हैं, इन्होंने ये इंडियन बैंक से आए थे, इंडियन बैंक, इन्होंने किसानों को जो किसान सम्मान निधि रुकी हुई है उनका NPCI नहीं हो पा रहा है, तो NPCI से रिलेटेड जानकारी दिया कि NPCI कैसे करके आप PM किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और हमारे पास आइए बैंक में, हम ये काम करते हैं। KCC की बात बताई उन्होंने, फसल बीमा की बात।